नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गोल्ड सत्यमेव जयते, यमला पगला दीवाना फिर से और स्त्री के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलो सबसे पहले आपको बताते हैं सुपरस्टार जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते का अब तक का टोटल कलेक्शन। तो दोस्तों सत्यमेव जयते को रिलीज हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं और फिल्म अपने पहले दिन से ही ठीक ठाक कलेक्शन करती आ रही। जहाँ इस फिल्म ने अपने पहले दिन 20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी, वहीं इस फिल्म ने अपने 20वें दिन यानी रविवार को लगभग 70 लाख का कारोबार किया और इसी के साथ इस फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 93 करोड़ रुपए हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप बताते हैं इसी के साथ रिलीज हुई फिल्म गोल्ड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने अपने पहले दिन लगभग 25 करोड़ का कारोबार किया था। उसके बाद फिल्म के कलेक्शन में उतार चढ़ाव आते गए। बाकी फिल्म को फायदा तब हुआ जब बीच में बकरा ईद आ गई, रक्षाबंधन की छुट्टी मिल गई, इस वजह से फिल्मों ने अच्छा खासा कारोबार कर लिया। आपको बता दें सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने अपने 20वें दिन लगभग 93 लाख का कारोबार कर लिया और इसी के साथ इस फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 111 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म स्त्री और यमला पगला दीवाना फिर से का। तो दोस्तों स्त्री की बात करें तो स्त्री एकदम से सरप्राइज हिट फिल्म निकल के आ गई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म से लोगों को उम्मीदें तो थी कि ये फिल्म अच्छा कारोबार करेगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 6 करोड़ 82 लाख रुपए का कारोबार किया और दूसरे दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 85 लाख रुपए का कारोबार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने अपने 2 दिन में ही शानदार कमाई कर ली और इस फिल्म का जो तीसरे दिन का कलेक्शन यानी रविवार वीकेंड का कलेक्शन है वो लगभग 13 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म ने अपने सिर्फ 3 दिन में ही 30 करोड़ का कारोबार कर लिया। फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ है और 3 दिन में ही 30 करोड़ का कारोबार कर लिया। तो दोस्तों एक तरह से फिल्म सिर्फ 3 दिन में ही सुपर हिट साबित हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल जी की फिल्म यमला पगला दीवाना 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म से सभी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये फिल्म अच्छा खासा कारोबार करेगी, क्योंकि फिल्म में बॉबी सर, सनी सर और धर्मेंद्र जी है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म के जो सॉन्ग थे वो पब्लिक के बीच चले नहीं, फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को उतना खास पसंद नहीं आया। तो दोस्तों फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफ़ी निराशाजनक है। आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 2 करोड़ का ही कारोबार किया और दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा उछाल तो देखने को मिला, लेकिन उतना नहीं जितने की उम्मीद थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन सिर्फ 3 करोड़ का ही कारोबार किया। और रही बात तीसरे दिन यानी रविवार के कलेक्शन के, दोस्तों रविवार हॉलीडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा उठाव देखने को जरूर मिला। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन यानी संडे को कमाया लगभग 5.5 करोड़ रुपये और इसी के साथ यमला पगला दीवाना 3 का जो 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ के ऊपर हो चुका है। दोस्तों बड़े ही उम्मीद थे फिल्म से कि ये फिल्म अच्छा कारोबार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद देओल्स का स्टारडम अब खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका स्टारडम अभी भी उतना ही। बस स्क्रिप्ट अच्छी हो, मूवी अच्छी हो, फिल्म का ट्रेलर लोगों को अच्छा लगना चाहिए और सॉन्ग अच्छे आ जाए तो फिल्म का बस ऑटोमेटिक बन जाता है और फिल्म हिट हो जाती है। तो जिनको भी लगता है कि देओल्स का करियर खत्म हो गया वो लोग गलत है। आज भी सनी देओल सुपरस्टार है, धर्म जी भी सुपरस्टार है और बॉबी देओल भी सुपरस्टार है। तो दो लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में गलत मत बोलिए करिए कि ये सुपरस्टार नहीं है। तो दोस्तों ये था इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी, स्त्री, यमला पगला दीवाना या फिर गोल्ड या फिर सत्यमेव जयते, हमें अपनी पसंद की फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताएं कि इन सब फिल्मों में सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी बनेगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।